तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नबार्ड ग्रेड ए रिक्वायरमेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक बड़ी पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं दोस्तों कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल, यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट की तरफ से वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया। दोस्तों, ग्रेड ए ऑफिसर के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। दोस्तों, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 150 पदों पर भर्ती निकाली गई। दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए रहने वाली। दोस्तों, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, वहीं पे आगे यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में जानकारी दिया गया, जो 27 जुलाई 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हैं। दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 800 रुपये में आवेदन कर पाएंगे। वहीं SC ST फीमेल कैंडिडेट 150 रुपये में आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आगे एज लिमिट के बारे में जानकारी दिया गया, जो आपका 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, 1/1/2024 तक आपका एज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। दोस्तों, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पद पर भर्ती निकाली गई है। लगभग यहाँ पे 150 पदों पर भर्ती निकाली गई। दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस डिग्री यहाँ पे रिलेटेड फील्ड का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेन्स एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, आगे यहाँ पे आवेदन फॉर्म किस तरह से भरना है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको नेशनल बैंक फॉर यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का लिंक खोजने के लिए आपको सिंपली 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं करियर और नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, इसमें जितने भी वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे होगा, जितने भी वैकेंसी होगा सभी यहाँ पे शो किया जाएगा। दोस्तों, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आना होगा। दोस्तों, आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली देख सकते हैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने सभी यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे शो किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आराम से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आपको होम पेज पर आना होगा। यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल नहीं मिलता, सिंपली होम पेज पर आइएगा। दोस्तों, होम पेज पर आने के बाद आपको सिंपली नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज न्यू वाले ऑप्शन में सभी वैकेंसी का डिटेल मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। सबसे ऊपर वाले लिंक पर आपको यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल देखने को मिलेगा। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे वैकेंसी का अगले पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ से आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस साइट के माध्यम से पहले किसी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आपको इंटर रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे पासपोर्ट डालकर सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। आपको डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ से आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप न्यू कैंडिडेट है, पहली बार इस साइट के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फॉर्म का डिटेल आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे नेम, उसके बाद नेम को कंफर्म करना होगा, उसके बाद मिडिल नेम है डाली नहीं छोड़ दीजिए, उसके बाद लास्ट नेम डालना होगा, उसके बाद लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करना होगा। दोस्तों, आपका फुल नेम शो किया जाएगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी डालना होगा, दोस्तों डोमिन नेम के पहले तक ही ईमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे डोमिन नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं @ के पहले तक इस बॉक्स में डालें, उसके बाद डोमिन नेम सेलेक्ट कीजिए, उसमें फुल ईमेल आईडी डालना होगा। दोस्तों, शुरू से अंत तक @ तक आपको यहाँ पे फुल ईमेल आईडी डालना होगा, सिक्योरिटी कोड डालिए, सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, सिंपली आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया। दोस्तों, इस पर क्लिक कर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, साइज के अनुसार आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
और यहाँ पे फोटो को अपलोड कर यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से सिग्नेचर को उसी प्रकार से चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड करना होगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स पर टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं डिसिप्लिन का जानकारी आ जाएगा, किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सभी डिसिप्लिन का यहाँ पे जानकारी शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो सिंपली आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप विकलांग कैंडिडेट है 40% से अधिक तो आपको यस करना होगा, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं इस ऑप्शन आपको हाइड मिलेगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे नीचे आना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे विकलांग में आते हैं, आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है, किसी राइटर की आवश्यकता है, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अगर स्वयं से लिख सकते हैं, आपको किसी राइटर की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिलीजन बताना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपको यहाँ पे बताना होगा दोस्तों। उसी प्रकार से माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे पूछ दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इस बैंक में पहले से काम कर चुके हैं, एक सर्विस मैन है, तो हाँ तो यस, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1984 के यहाँ पे देख सकते हैं आपके फैमिली दंगे में मारा गया, उनका यहाँ पे बच्चे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यस करना होगा और नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब सवालों का जवाब आप अपने अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नर बैंक में इंप्लॉय है, तो हाँ तो यस, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, एग्जाम सेंटर का आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट में एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसका सिटी यहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा दोस्तों। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम कहाँ पे सिटी प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद यहाँ पे मेंस एग्जाम कहाँ पे सेंटर का यहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा दोस्तों। तो सिंपली आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होगा, सिंपली डे मंथ, उसके बाद यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर बताना होगा, मेल फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जुड़वा भाई बहन है तो यस करके जानकारी दे सकते हैं, और नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मैरिड स्टेटस आपको बताना होगा, मैरिड है या अनमैरिड है, तो अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको फादर नेम डालना होगा, मदर नेम डालना होगा, तीनों लाइनों को मिलाकर आपको फुल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस का यहाँ पे जानकारी मांगा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस डालिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। अपने एरिया का पिन कोड डालिए, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर दीजिए। बॉक्स पर टिक करते ही नीचे ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं अलग है तो अनटिक कर अलग से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं पेमेंट का जीएसटी आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं इनमें से दो जीएसटी में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जानकारी आ जाएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालिए, ग्रेजुएशन बैचलर के यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, किस यहाँ पे स्ट्रीम से पास किए दोस्तों, आपको सेलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए, किस वर्ष पास किया है। यहाँ पे देख सकते हैं पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देख सकते हैं मार्क बताना होगा, आपका कितना मार्क है, ग्रेड बताना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो एक एक कर यहाँ पे जो भी जानकारी आपके पास है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी है तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम बताना होगा, सिंपली उसी प्रकार से पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए, डे मंथ और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होगा। उसी प्रकार से मार्क आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड बताना होगा, उसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन का जानकारी दे सकते हैं, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन का जानकारी दे सकते हैं, कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस मांगा गया है तो यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, नहीं मांगा गया तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लैंग्वेज का जानकारी देना होगा, आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज का जानकारी है, तो जो लैंग्वेज की जानकारी उसे लिखिए और रीड राइट एंड स्किप कर क्लिक कीजिए, और भी लैंग्वेज की जानकारी तो उसी प्रकार के लिख कर यहाँ पे तीनों बॉक्स पर टिक करना होगा दोस्तों। और यहाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखिए और यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं है तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपके फॉर्म का प्रिव्यू आ जाएगा दोस्तों। शुरू से अंत तक जो भी जानकारी भरे होंगे आपको यहाँ पे चेक करना होगा, नीचे आकर आइए, अगर करना कुछ गलत लगता है तो बैक जाकर एडिट कीजिए, नहीं तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ओके कीजिए।
जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट थंब और हेड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट थंब और यहाँ पे लेफ्ट हैंड यहाँ पे अपलोड कीजिए दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा। तो जो भी साइज दिया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं, गाइडलाइन के अनुसार अपलोड कीजिए, गाइडलाइन बगल में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको हेड राइटिंग डिक्लेरेशन को अपलोड करना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर अपने यहाँ पे व्हाइट पेन से देख सकते हैं दोस्तों, व्हाइट पेज पर ब्लैक या ब्लू पेन से लिख सकते हैं। तो हेड राइटिंग डिक्लेरेशन को इस प्रकार से अपलोड करना होगा, ओके करना होगा दोस्तों। ओके करने के बाद कैप्चर फिल करना होगा। कैप्चर फिल करते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेवन नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सेवन नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी कोड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप सिक्योरिटी कोड डालिए। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का डैशबोर्ड खोलेगा। तो सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, जिस भी माध्यम का सहारा लेकर आप पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसे निकाल कर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म के जानकारी के साथ।